और आज का डेली ब्लॉग तो नहीं था, मतलब मैं बस रेस्टोरेंट पर आया, खाना खाया। सो हेलो, वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मतलब आज का ब्लॉग मैं रात में स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को मॉर्निंग में स्टार्ट करना चाहिए था, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं कर पाया। और अभी मैं और यश जा रहे हैं, मतलब मेरे को काफ़ी लोगों ने रिकमेंड करा था ये वाला रेस्टोरेंट ढाबा है, ये इसका चिकन एक नंबर है गाइस। तो ओ यश, इसका नाम क्या है? पत्थर, बारह पत्थर करके, वो मैं आपको बता दूंगा, पहुंच के एक नंबर है, पूरी लोकेशन बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इस रेस्टोरेंट के, सॉरी ढाबा है, एक नंबर चिकन है, चलते हैं वहाँ पर। सो गाइस, अगर आप बरेली से आ रहे हैं तो आपको सिटी में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये यहाँ से सिटी की एंट्री हो रही है, ये नवादा है, ये जस्ट चौराया है, आप बदायूं से एंटर करेंगे, एग्जिट करेंगे अगर, तो ये यहाँ से अगर एग्जिट करेंगे तो ये नवादा पड़ेगा। और वो जो रेस्टोरेंट ढाबा जो भी है वो सामने है, काफ़ी आगे, 4-5 किलोमीटर आगे, तो चलते हम लोग आगे। तो गाइस, जस्ट ये सामने हमारा बाईपास है, थोड़ा सा मतलब 50 मीटर दूर बाईपास है, बरेली से आएंगे तो बदायूं बाईपास से। ये है जय हिंद ढाबा लिखा हुआ है पूरा, आप देख सकते हो, और चलते हैं अंदर। बहुत टाइम, मतलब मैं बहुत टाइम से सुन रहा था इसके बारे में, ये खड़ा है यश, और मतलब मेरे जो जिम के ओनर है ना अभी भैया, उन्होंने भी मेरे को इसका रिकमेंड करा था कि खाइयो, इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलते अंदर, खाते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो गाइस, अंदर से ढाबा रेस्टोरेंट जो भी आप कहें वो ये है, ऐसा अच्छा है, मतलब ढाबे के हिसाब से आई थिंक मैं 4 out of 5 दूंगा, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। और किचन में भाई अभी भी भीड़ है, मतलब आज रश इतना नहीं है, आज संडे है, सैटरडे को बहुत भीड़ रहती है। मैंने अभी ऑर्डर दिया है, फ्राइड चिकन दिया ना हमने, कढ़ाई चिकन दिया, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। मतलब स्मेल जो इतनी आ रही है ना, मतलब एक नंबर यार, मतलब मैं खुश हो गया स्मेल से, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है चिकन की। और वेज भी मिलता है, वेज का किचन अलग है, नॉन वेज का किचन अलग है, अगर आप वेज है तो नाराज ना होए, वेज भी खा सकते हैं यहाँ पर, वेज भी बहुत अच्छा है। जो ये किचन है ये है वेज नॉन वेज का, और जो उस साइड है वो है वेज का, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि वेज किचन एक है नॉन वेज अलग, मतलब सब सेपरेट है, अलग अलग है। बहुत से लोग आते हैं और सोचते होंगे कि एक ही किचन होगा तो कैसे खाएं, अलग अलग किचन है, वो है वेज, ये है नॉन वेज। तो गाइस, हमारा कढ़ाई चिकन आ चुका है, हमें कढ़ाई चिकन मतलब कंटेनर देखिए हाफ में कितना सारा है, मतलब 2 पीस इधर है, 2 पीस इधर है, और अभी भी 3 से 4 पीस हैं, लमसम 7-8 पीस दिए हैं। और टेस्ट करके बताऊँ मैं आपको कैसा है, देखने में तो काफ़ी अच्छा, स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही है, और अब देखते हैं खाने में कैसा है। बहुत नाम सुना है क्योंकि इसका गाइस फ्लेवर, मतलब इतना अच्छा फ्लेवर है, कुछ कहने की नहीं, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलो कैसा लग रहा है, मतलब वो तो खाने में बिजी है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस, बहुत से बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, मतलब बता नहीं पा रहा हूँ मैं, पहले खाते हैं फिर मिलते हैं। इतना ज़्यादा अच्छा चिकन है कि मैंने क्वार्टर और मंगवा लिया, मतलब टेस्ट में मतलब एक नंबर, पहले खाते हैं उसके बाद बात करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। गाइस खाना भी खा चुके हैं, और मतलब मैं यहाँ पर इसलिए आया था, मैं आपको बता दूँ, मतलब काफ़ी लोगों ने मेरे को रिकमेंड करा था ये वाला, इवन यश ने, मौसा जी ने, रिदम ने, बरेली में मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने भी, अभिनव भैया ने भी, आप जानते होंगे ब्लॉग्स में दिखाया, जो मेरे जिम के ओनर है अभी भैया, उन लोगों ने भी रिकमेंड करा था कि यहाँ का खाइयो, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब और सच में चिकन बहुत ज़्यादा अच्छा था, टेस्ट मतलब बहुत अच्छा था। इवन हमने हाफ मंगाया था, क्वार्टर और मंगा लिया, और घर के लिए भी पैक करा रहा है यश, पैक करा रहा है अंदर जाके, और मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आज का डेली ब्लॉग तो नहीं था, मतलब मैं बस रेस्टोरेंट पर आया, खाना खाया, तो मतलब रिव्यू समझ लीजिए, रिव्यू ब्लॉग इसको। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करेगा स्पर्श बनिया। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।